तो गाइस सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र्स को ओपन करेंगे, टाइप करेंगे ssc.nic.in। हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से chsl, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, अगर पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नेम ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो न्यू यूज़र पे हम क्लिक करेंगे। ऐसा पेज खुल के हमारे पास सामने आएगा और यहाँ पे हम आधार नंबर को यस करेंगे, अपना आधार नंबर लिंक करेंगे और इसके साथ में वेरीफाई आधार नंबर, हम अपना आधार नंबर फिर से लिंक करेंगे। उसके बाद अपना नाम, वेरीफाई नेम, अपना फिर से नाम इंटर करेंगे। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद फिर से फादर नेम इंटर करेंगे वेरीफाई फादर नेम्स पे। उसके बाद मदर नेम और वेरीफाई मदर नेम्स, इसमें हर चीज़ को हमने दो दो बार डालना होता है। फादर नेम भी दो बार आएगा, मदर नेम्स भी दो बार आएगा, मतलब वेरीफाई करना होता है। फादर नेम्स के बाद हम मदर नेम डालेंगे, वेरीफाई मदर्स नेम की जगह पे अपनी मम्मी का नाम डालेंगे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पे भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। सेलेक्ट बोर्ड, हमें टेंथ का जो भी बोर्ड है हमारा हम वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपने टेंथ की एग्जामिनेशन डिटेल्स मांग रहा है ये, तो अपना टेंथ का बोर्ड जिस भी बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो देखिए बोर्ड भी हमें दो बार चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अपना टेंथ का रोल नंबर, टेंथ का रोल नंबर एंटर करेंगे और रोल नंबर एंटर करने के बाद अपना फिर से टेंथ का रोल नंबर एंटर करेंगे। हर चीज़ को दो दो बार एंटर करना है। और उसके बाद हमें ईयर ऑफ पासिंग, उसको भी दो बार एंटर करेंगे, अपना जेंडर और अपनी हायर क्वालिफिकेशंस, जो भी उसके बाद की हायर क्वालिफिकेशन है वो एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और अपनी ईमेल आईडी। देखिए ये मोबाइल नंबर मेरे को बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि मेरा इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वहाँ पे रजिस्टर करके सेव करके हो जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है, लेकिन अगर पासवर्ड भूल गया होगा तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे हम और एक पेज खुल के सामने आएगा, उस पर अपनी स्टेट, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ईमेल और मोबाइल में से कोई से एक डाल दीजिएगा आप, उसे सबमिट करेंगे और हमारे ईमेल या मोबाइल जो भी आपने डाला उस पर ओटीपी आएगा। हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद इसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करते ही ये हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी शो करेगा और न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देगा। यहाँ से हम अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट कर देंगे। देखिए पासवर्ड सिंपल लगेगा नहीं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स सेम स्मॉल और कैपिटल लेटर्स सारा मिक्स करके लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड लगेगा नहीं। तो पासवर्ड लगा के हम इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। हम लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो हमने अभी बनाया, तो वो पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, अपना कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमको डिटेल खुल के सामने आ जाएगी, हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट हुई है और एंड डेट दिखाएगा, ये यहाँ पे सारा लिख के सामने आ जाएगा। हमने सीधा ही अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमें पूरी डिटेल शो होगी, अपना जो भी हमने डिटेल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली है वो। तो गाइज इसके बाद हमको लॉगिन होते ही हमें सेंटर चूज़ करने के लिए, अपने नीरेस्ट सेंटर चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। हम मैं सबसे अपना नीरेस्ट वाला
कोई से भी 3 सेंटर चूज़ कर लेते हैं। मैं अपना सबसे नीरेस्ट, जो भी मेरी नीरेस्ट पड़ रहा है, मैं वो लिस्ट पे सर्च करके चूज़ कर लेता हूँ। मैं तीन, यहाँ पे 3 सेंटर चूज़ करने हैं। अब मैं सेंटर चूज़ कर लेता हूँ, हो गया। उसके बाद हमको मोड ऑफ टेस्ट पूछा जाएगा। मैं इंग्लिश लूँगा, या आप चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको पूछेगा कि 12th में आपका साइंस था विद मैथ, तो मेरा मैथ नहीं था, मैं नो कर देता हूँ। फिर आप एक्स सर्विसमैन को भी, अगर आप थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो, मेरा नो करता हूँ। एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपकी हायर क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि आपकी सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप वो डालेंगे। और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछा जाएगा, पास हैं या पियर हैं। और इसमें एयर पूछा जाएगा, आपका पास है तो कौन से एयर में पास की है। उसके बाद आपका स्टेट पूछा जाएगा, और उसके बाद आपका स्टेट बोर्ड पूछा जाएगा, आपका कौन सा बोर्ड था और कौन सी आपकी स्टेट है। उसके बाद आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, और उसके बाद आपका परसेंटेज पूछा जाएगा। इन सब चीज़ को एंटर करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। और यहाँ पे इसको नो कर देंगे। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए गाइस, हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद इसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करते ही पूरी डिटेल हमारे पास सामने आएगी। एक बार हम डिटेल पढ़ लेंगे और फिर इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आएगा लिखा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और हमको पीडीएफ जो है सामने फाइल आ जाएगी, हम इसको सेव कर लेंगे। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।